हेलो एवरीवन, क्रिकेट इनसाइट की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान शिखर धवन ने चुन ली है अपनी प्लेइंग 11 श्रीलंका के खिलाफ पहले ओडीआई मैच के लिए। सो दोस्तों, क्या है वो प्लेइंग 11 आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बिकॉज हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज रेगुलर लाते रहते हैं। इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2021। इंडिया की ए टीम अभी इंग्लैंड में है और वो वहाँ पर 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इंडिया की बी टीम यहाँ पर इंग्लैंड पहुँच चुकी है। 13 जुलाई से आपको ये सीरीज शुरू होते हुए दिखेगी। भारत और श्रीलंका को 3 ओडीआई मैचेस और 3 टी20 मैचेस खेलने हैं, जहाँ पर पहला ओडीआई मैच 13 जुलाई को, दूसरा ओडीआई मैच 15 जुलाई को और तीसरा ओडीआई मैच 17 जुलाई को होगा। बात करें टी20 फॉर्मेट की, सो पहला टी20 मैच 21 जुलाई को, दूसरा टी20 मैच 23 जुलाई को और तीसरा टी20 मैच 25 जुलाई को खेला जाएगा। 13 जुलाई से ये सीरीज शुरू होगी और 25 जुलाई को ख़त्म होगी। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 श्रीलंका के खिलाफ। ओपन करते हुए आपको देखेंगे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। शिखर धवन इस टीम की कप्तानी करेंगे। 3-4-5 की बात करें तो 3 नंबर पर दिखेंगे आपको सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर दिखेंगे संजू सैमसन जो कि विकेट कीपर होंगे और 5 नंबर पर खेलेंगे एक्सपीरियंस्ड मनीष पांडे जिन्होंने इंटर स्क्वाड मैचेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बात करें ऑलराउंडर्स की, तो 2 ऑलराउंडर्स इस टीम में खेलेंगे जिनका नाम है हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या। अब बात करते हैं बॉलर्स की। इस सेक्शन में हैं भुवनेश्वर कुमार जो इस टीम के वाइस कैप्टन होंगे, फिर होंगे दीपक चहर और 2 लेग स्पिनर्स जिनका नाम है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। ये रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट ओडीआई मैच के लिए। आपकी क्या प्लेइंग 11 रहेगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना